my first time. I don't know, like, I'm getting goosebumps right now. It feels extremely great right now. Plus also, it's my first time in Cannes. Hello everyone, welcome to Savagios. Let's talk about Indian influencer appearance at the Cannes Film Festival. जैसे कि हम देख रहे हैं, इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ साथ इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर ने भी पार्टिसिपेट किया है, विच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। क्योंकि ना पहले कांस में इंडिया से कुछ गिने चुने आर्टिस्ट को ही इन्विटेशन मिलता था, तो इसलिए इंडिया से ज्यादा पार्टिसिपेशन भी देखने को नहीं मिलता था। जैसे कि अगर आप देखो, ऐश्वर्या राय ने 2002 से लेकर हर साल कांस अटेंड किया है, एंड दैट्स बिकॉज शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियल पेरिस। सोनम कपूर और कटरीना कैफ ने भी कांस अटेंड किया था एज अ फेस ऑफ लॉरियल पेरिस, बट वो हर साल नहीं करते। और इनके अलावा दीपिका पादुकोण ने भी कई बार कांस अटेंड किया है। तो इस बार जब एक्टर्स के बाहर कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को मौका मिला है, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? बट पीपल स्टार्टेड सेइंग कि क्या ये इन्फ्लुएंसर एक्चुअली कांस जैसा प्लेटफॉर्म डिजर्व करते हैं। पहले आप ये कमेंट्स देखो। मेकिंग रील हैज नो कनेक्शन विद एप्रिशिएशन ऑफ नॉलेज इन फिल्म्स, फिल्म मेकिंग एंड फैशन हिस्ट्री। इन्फ्लुएंसर्स हैव नो बिजनेस एट कांस अनलेस दे हैव डिस्प्लेड रिलेवेंस एंड नॉलेज इन द फील्ड। कांस हैज बिकम अ जोक, लॉल, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर इन द गेम नाउ। कांस लूजिंग इट रिलेवेंस। द टाइम्स व्हेन ऐश्वर्या राय वॉक्ड ऑन कांस आफ्टर अचीविंग सो मच एंड नाउ कांस है या कॉलेज फेस्ट। आई थिंक कांस हैज लॉस्ट इट्स रिलेवेंस। हु वांट्स टू सी दिस नेवर हर्ड बिफोर एट एन इंटरनेशनल लेवल एटलीस्ट इन्फ्लुएंसर वॉक द रेड कार्पेट एट कांस। आई मीन व्हाट ऑन अर्थ हैज सोशल मीडिया कम टू। ओके, तो क्या कांस में इन्फ्लुएंसर को इन्वाइट करने का ये इनिशिएटिव सही था या नहीं, इसको जज करने से पहले हमें कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझना होगा। तो अगर आसान भाषा में बताया जाए तो कांस फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ वर्ल्ड वाइड जितने भी फिल्म या शॉर्ट फिल्म रिलीज होते हैं उनमें से बेस्ट फिल्म को यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ प्रेजेंट वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर्स, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स एंड ऑल। अब आप सोच सकते हो कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स, फिल्म मेकर्स वहाँ से थिएटर में मूवीज देखने जाते हैं, तो लेट मी टेल यू, नो। आज जब किसी मूवी को दिखाया जाता है, मूवी खत्म होने पर उस मूवी के फिल्म मेकर्स को, एक्टर्स को अपना व्यू रखने का या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इट्स लाइक अ मेगा नेटवर्किंग इवेंट। और सिर्फ यही नहीं, इन सारे मूवीज में से जो बेस्ट फिल्म चुनी जाती है उसको एक अवार्ड भी दिया जाता है, जिसका नाम है पाल्मा डी ओर, जो कांस का हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। मेनी इंडियन फिल्म लाइक नीचा नगर, पथेर पाचाली बाई सत्यजीत रे, लंच बॉक्स, मसान एंड मेनी मोर फिल्म हैज ओन दिस अवार्ड। तो क्या वहाँ सिर्फ वो एक्टर्स और फिल्म मेकर्स जाते हैं जिनकी मूवीज या स्क्रीनिंग होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक इतने बड़े इवेंट को होस्ट करने के लिए दे नीड स्पॉन्सर्स, और इसीलिए मेनी इंटरनेशनल ब्रांड्स बाय दिस स्पॉन्सरशिप। और उन ब्रांड्स का जो ब्रांड एम्बेसडर है, उनको ब्रांड्स की तरफ से ही इन्विटेशन मिलता है टू रिप्रेजेंट देयर ब्रांड। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ऐश्वर्या राय, सोनम कपूर, कटरीना कैफ, देवेंद्र एज अ ब्रांड फेसेस ऑफ लॉरियल पेरिस, तो लॉट ऑफ एक्टर्स गो देयर टू रिप्रेजेंट द ब्रांड्स। अब समझते हैं कि कैसे हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कांस में जाने का मौका मिला, इवन दो दे हैव नो कनेक्शन विद द फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला, ब्रांड्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फेस्टिवल का, और वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा। नाउ सी, आज के डेट में सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, वैसे नंबर ऑफ ब्रांड्स भी ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करो तो देयर आर अनकाउंटेबल ब्यूटी ब्रांड्स आउट देयर। इनमें से जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो तो फेमस एक्टर या सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं, बट काफी छोटे ब्रांड्स भी हैं जो शुरू में ही उन सेलिब्रिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तब वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपना ब्रांड प्रमोशन करते हैं। पहले तो ये काफी चीप होता है। अब जितने अमाउंट में एक फेमस बॉलीवुड स्टार को अफोर्ड करोगे, उससे कई कम अमाउंट में आप एक से ज्यादा इन्फ्लुएंसर को अफोर्ड कर सकते हो टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। इससे सिर्फ उनका सेविंग्स ही नहीं हो रहा, बल्कि वो अपने प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस समझ सको। और सोशल मीडिया इज नथिंग विदाउट द इन्फ्लुएंसर्स, राइट? और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप आम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सभ्यसाची मुखर्जी इज अ ग्रेट फैशन डिजाइनर, राइट? लेकिन आप सोचो, अगर आज एक छोटे से शहर में या गांव में बैठ के कोई सभ्यसाची को देख रहा होगा और नैन्सी तैगी को देख रहा होगा, तो वो किससे ज्यादा कनेक्ट करेंगे? नैन्सी से, राइट? लेकिन सभ्यसाची मुखर्जी नो डाउट नैन्सी से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो काफी बड़े सेलिब्रिटीज के लिए काम कर चुके हैं, बट स्टिल लोग नैन्सी से ज्यादा कनेक्ट कर सकेंगे। सो दिस इज वाई कांस ने इस साल ये इनिशिएटिव लिया है ताकि जो भी मूवीज या फिल्म की स्क्रीनिंग होगी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और उनका इस साल का थीम भी यही है, मेनी वेज टू बी एन आइकॉन, लाइक यू डोंट हैव टू बी एन एक्टर टू बी एन आइकॉन। तो इसी मोटिव को लेके कांस ने ये सारे जो ब्रांड्स एंड मीडिया पार्टनर्स हैं उनके थ्रू इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर डिजर्व नहीं करते या क्यों उनको इनवाइट किया गया है, उसके पीछे भी रीजन है। सी, देयर आर मेनी डिजर्विंग एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स जो ये प्लेटफॉर्म डिजर्व करते हैं। अगर आप कियारा अडवाणी की बात करोगे तो बॉलीवुड में काम करे उनको 10 ईयर्स हो गए हैं और अब जाके उनको कांस में जाने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो अब आप समझ सकते हो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में खुद को और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना हार्ड वर्क और कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड देयर आर मेनी मोर एक्टर्स जो कि ये प्लेटफॉर्म डिजर्व करते हैं। तो वही अगर ये चांस कॉन्टेंट क्रिएटर्स को मिलने लगे तो उनके साथ ही अनफेयर होगा, राइट?
और कहीं ना कहीं पहले हमें लगता था कांस में जाना इज टफ, दे नीड टू वर्क रियली हार्ड टू मेक इट टू कांस, लेकिन अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर भी यहाँ जाने लगे तो कहीं ना कहीं कांस का जो वैल्यू है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखो जब ऐश्वर्या राय ने कांस में डेब्यूट किया था 2002 में, उस टाइम वो एक मिस वर्ल्ड थी, बट नॉट ओनली दैट उसके बाद भी उनको बॉलीवुड में 10 साल काम करना पड़ा एज एन एक्टर, तब जाके उनको कांस में डेब्यूट करने का मौका मिला। वही अगर आप आरजे करिश्मा को देखो, शी इज अ ग्रेट कॉन्टेंट क्रिएटर नो डाउट, और मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे कांस का वैल्यू कम हो रहा है। बट एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन्स राइट। इन्फ्लुएंसर्स का कांस में इन्वॉल्व होना जैसे लोगों को और ज्यादा अवेयर करेगा सिनेमा और कल्चरल फैक्ट्स को लेके, वही दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांस जैसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का वैल्यू कम हो जाएगा। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइस, व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस? क्या आपको लगता है कांस में इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व होना फेयर है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।